नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट या एएलपी एंड टेक्नीशियंस के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस एंड बुक्स आप क्या क्या रेफ़र कर सकते हैं वो लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं क्या है स्टेजेस एग्ज़ाम। तो आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एग्ज़ाम जो है ये चार स्टेज में कंडक्ट किया जाएगा। तो पहला स्टेज है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दूसरा स्टेज है वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तीसरा स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, और चौथा स्टेज जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाद में आपका मेडिकल होगा। तो ये है आपके स्टेजेस आरआरबी लोको पायलट के लिए एएलपी। दूसरी जो पोस्ट है वो आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन के लिए है, और ये थ्री स्टेज में कंडक्ट किया जाएगा। जो पहला स्टेज है ये सीवीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा स्टेज है वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और इसके लिए कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं कंडक्ट किया जाएगा, और जो तीसरा स्टेज है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाद में उसके मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा। स्केल ऑफ पे अगर देखें हम तो उसका स्केल ऑफ पे जो होगा लेवल 2 होगा, सेवन्थ सीपीसी का जो पे मैट्रिक्स में आता है, इनिशियल पे उसकी होगी 19,900 प्लस अदर अलाउंसेस एज एडमिशिबल। तो बाद में इसके अलावा जो अलाउंसेज होंगे वो आपको मिलेंगे। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो इसकी एज लिमिट है 18 to 28 years, एंड जो उसका डेट मानी जाएगी एज ऑन 1/7/2018, और बाद में आप जो 5.1 पैरा है नोटिफिकेशन का वो देख सकते हैं वेरियस जो है एज रिलैक्सेशन के बारे में। नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में रहेगी, दे शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज सीबीटी। जो पहला फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज सीबीटी होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 जो नंबर है वो रॉन्ग आंसर्स के डिडक्ट कर लिए जाएंगे, और देर शाल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके लिए नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसकी जो एप्लीकेशन जो डेट है क्लोज होने की वो है 5 मार्च 2018 और 2359 आवर्स तक रहेगी। जो फर्स्ट स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का वो टेंटेटिवली शेड्यूल किया गया है अप्रैल एंड मे 2018 की, और जो डेट्स फॉर अदर स्टेजेस हैं आगे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे वो आपको आरआरबी वेबसाइट के थ्रू इंटीमेट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स अगर वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स के लिए, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है वो अप्लाई ना करें। तो लिखा गया है कि जो लास्ट ईयर में हैं, जिनके या जिनके अभी तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाथ में नहीं आई हैं, जो वेट कर रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई ना करें। तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए देखते हैं जो एएलपी पोस्ट है उसके लिए क्या क्या स्टेज है। पहला स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो 60 मिनट का रहेगा एंड 75 क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरा भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है लेकिन पार्ट ए में रहेगा, 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन। और जो सेकंड स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का पार्ट बी है वो ट्रेड एग्ज़ाम रहेगा, और वो 60 मिनट का रहेगा, 75 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं 35%, और दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स, सब कैंडिडेट्स के लिए है ये, एंड नो रिलैक्सेशन इज़ परमिसेबल। सो 35% मार्क्स सब कैंडिडेट्स को लाने हैं, सब कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। जो थर्ड स्टेज होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो मिनिमम स्कोर उनको 42 मार्क्स लाने पड़ेंगे इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी टू क्वालिफाई। दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स एंड नो रिलैक्सेशन इज़ परमिसेबल। तो ये भी सब कैंडिडेट्स को लाने पड़ेंगे मिनिमम 42 मार्क्स। फोर्थ स्टेज जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपका असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर रहेगा। दूसरा जो है टेक्नीशियन दूसरी पोस्ट है उसके लिए फर्स्ट स्टेज जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेम एएलपी की तरह, और 60 मिनट 75 क्वेश्चन। सेकेंड स्टेज है ये भी सेम एएलपी की तरह, पार्ट ए रहेगा 90 मिनट्स का और 100 क्वेश्चन। सेकेंड स्टेज का जो पार्ट बी है ये भी ट्रेड एग्जामिनेशन रहेगा, ये 60 मिनट्स का रहेगा और ये 75 क्वेश्चंस, और इसमें भी सेम 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे सब कैंडिडेट्स को, और कोई इसमें रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। थर्ड स्टेज इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, और बाद में इसका मेडिकल होगा आपका। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं। ये जो एक ही एप्लीकेशन इसमें आपको अप्लाई करनी है, कॉमन टू ऑल नोटिफाइड पोस्ट, आपको अलग अलग एप्लीकेशन नहीं भरनी है एएलपी और या टेक्नीशियन के लिए, एक ही एप्लीकेशन भरनी है, सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन।
जो एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फर्स्ट स्टेज CBT, सेकेंड स्टेज CBT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज एप्लीकेबल। तो डेट टाइम वेन्यू फॉर ऑल द एक्टिविटीज, जो सब एक्टिविटीज है जानी, फर्स्ट स्टेज CBT, सेकेंड कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एनी अदर एडिशनल एक्टिविटी शैल बी फिक्स्ड बाय द RRB। RRB है, इन सब की डेट्स टाइम वेन्यू फिक्स करेगा और आपको इंटीमेट कर देगा जो भी कैंडिडेट इसके एलिजिबल है इन थोड़े टाइम में, इन ड्यू कोर्स। रिक्वेस्ट आप करना चाहें कि मेरा सेंटर एग्ज़ाम का डेट टाइम वेन्यू पोस्टपोन कर दीजिए, तो वो नहीं एंटरटेन किया जाएगा अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो कोई भी कंडीशन में इसको माना नहीं जाएगा। तो सेम चीज़ है ये फर्स्ट ईयर CBT जो है, जैसे पहले बताया गया 60 मिनट्स का, लेकिन इसमें क्यों इसमें लेके आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको सिलेबस हम बताएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज। तो इसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिए गए हैं कि अनरिजर्व को 40 लाने हैं, OBC को 30, SC को 30%, ST को 25%, और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2% मार्क्स रिलैक्स कर दिए जाएंगे अगर हमके पास PWD कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं जितनी सीट्स रिजर्व उनके लिए की गई है। तो फर्स्ट CBT है वो स्क्रीनिंग नेचर के लिए होगा और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस जो इसके हैं वो जनरली इन कन्फॉर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड और मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। जो स्टैंडर्ड इसका रहेगा एग्ज़ाम का, वो जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं एजुकेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से रहेगा, या टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो आपने लिए उसके हिसाब से रहेगा। जो इसका जो स्कोर आएगा फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम का, वो सिर्फ शॉर्टलिस्ट करने के लिए रखा जाएगा और सेकेंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए रखा जाएगा और उसके एज पर मेरिट बनाया जाएगा। कैंडिडेट्स हुआ शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज CBT अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट्स ऑफ ए कम्युनिटी शैल कंटिन्यू टू बी कंसिडर्ड ओनली अगेंस्ट दैट कम्युनिटी फॉर ऑल सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कैंडिडेट्स को जब सेकेंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो जिस कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई किया है उसी कैटेगरी का आगे के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके लिए उनको माना जाएगा। जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे विद मल्टीपल चॉइस रहेगी उसमें, और जो क्वेश्चंस हैं उसका सिलेबस यहाँ दिया गया है। तो मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस आप यहाँ दिया गया है, पढ़ लीजिए, जैसे नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस। तो नॉर्मली जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रहता है उसका मिलता जुलता सिलेबस आपको रहेगा, थोड़ी चीज़ें इसमें कम या ज़्यादा हो सकती है। दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सो सेम भी जो आप देख सकते हैं ये सब आपने पढ़ा होगा, तो सेम ही आता है। थोड़ी 19-20 चीज़ें रहती है हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, थोड़ी 19-20 चीज़ें थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। जनरल साइंस का है सिलेबस अंडर दिस शैल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। तो अगर आप SC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल का है वो आ सकता है। जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, तो GK इसमें रहेगा, करंट अफेयर्स में साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस। तो ये आपका सिलेबस हो गया है। सेकेंड स्टेज CBT है, तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज CBT शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द फर्स्ट स्टेज CBT एग्जामिनेशन। तो जब फर्स्ट स्टेज का CBT एग्जामिनेशन जो उनको मार्क्स मिलेगा उसमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सेकेंड स्टेज CBT एग्जामिनेशन के लिए, और जो टोटल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो 15 टाइम्स जो रहेगा, कम्युनिटी वाइज जो वैकेंसी दी गई है उसका 15 टाइम्स आपका जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। टोटल ड्यूरेशन है वो 2 hours 30 minutes रहेगा फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी टुगेदर। तो सेकेंड स्टेज CBT में जैसे हमने पहले बताया था टेबल में, पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा और दोनों का टोटल टाइम रहेगा 2 hours 30 minutes। सेकेंड स्टेज CBT शैल हैव 2 parts, पार्ट ए एंड पार्ट बी एज डिटेल बिलो। सो पार्ट ए रहेगा वो 90 मिनट्स का रहेगा, 100 क्वेश्चंस, और मिनिमम परसेंटेज जो है इसके लिए यहाँ पे दिए गए हैं, इतने मिनिमम परसेंटेज आपको लाने पड़ेंगे। द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए अलोन शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस सब्जेक्ट टू द कंडीशन द कैंडिडेट सिक्योरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट बी। सो जो पार्ट ए का मार्क्स है वही यूज़ किया जाएगा आगे शॉर्टलिस्ट करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पार्ट ए का जो मार्क्स है वही आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्ट बी में आप फेल हो जाएं,
पार्ट बी में जो है आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो लाने पड़ेंगे, लेकिन आगे जो शॉर्टलिस्ट करने के लिए सिर्फ पार्ट ए यूज़ किया जाएगा। और पार्ट ए का सिलेबस यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, जैसे मैथमेटिक्स का है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस दिया गया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी है जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा, उसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे और ड्यूरेशन इसका 60 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 35%। तो ये आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% लाने पड़ेंगे और ये सब कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो अनरिजर्व में हो, एससी एसटी ओबीसी जो भी कैटेगरी का हो, उनको 35% मार्क्स मिनिमम लाने ही है और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग है सिर्फ ये, और इसके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके ट्रेड सिलेबस में से पूछे जाएंगे, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग DGET की वेबसाइट से आप ले सकते हैं और ये प्रिस्क्राइब किया गया है इन्होंने ही। कैंडिडेट्स विद ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चंस फ्रॉम द रेलिवेंट ट्रेड। तो जिन्होंने ये किया हुआ है क्वालिफिकेशन ITI एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप, उसमें उनको रेलिवेंट ट्रेड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो कैंडिडेट्स डिग्री डिप्लोमा HSC 10+2 हैविंग एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ ALP हैव टू सेलेक्ट रेलिवेंट ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड्स लिस्टेड अगेंस्ट देयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन HSC 10+2। जिन लोगों ने डिग्री डिप्लोमा HSC 10+2 किया है उनको वो रेलिवेंट ट्रेड सेलेक्ट करना पड़ेगा और जो ट्रेड सिलेबस है वो DGET वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं। द रेलिवेंट ट्रेड्स फॉर वेरियस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फॉर अपेयरिंग द क्वालिफाइंग टेस्ट इज एज बिलो। जिनका जो ट्रेड सिलेबस है वो आप DGET वेबसाइट से ले सकते हैं और जिनका जो वेरियस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है वो नीचे जो आगे दिए गए हैं उससे आप ले सकते हैं। जैसे ये जिनका ये डिसिप्लिन है यहाँ पे इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उनको जो रेलिवेंट ट्रेड लेना है पार्ट बी के लिए क्वालिफाइंग करने के लिए वो इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वायरमैन वाइंडर आर्मेचर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, तो ये लिया हुआ है। जिनका फील्ड इसमें आता है, जिनका इसमें आता है वो इनको ये सेलेक्ट करना है रेलिवेंट ट्रेड, जिनका मैकेनिकल में आता है वो इसमें से लेना है। इस तरह से आप जिसमें आप हैं वो उसमें से आप ले लीजिए। 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स है वो इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वायरमैन का आपको रेलिवेंट ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ये आपको सेलेक्ट करना है रेलिवेंट ट्रेड। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बताते हैं, ये उन लोगों के लिए है ओनली फॉर कैंडिडेट्स जिन्होंने ALP के लिए ऑप्ट किया गया है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स हैं कैंडिडेट्स को मिनिमम जो स्कोर है 42 मार्क्स लाने पड़ेंगे हर एक टेस्ट बैटरीज क्वालिफाई करने के लिए और ये हर एक कैंडिडेट्स को एप्लीकेबल है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट्स जो हैं 8 times नंबर ऑफ ALP वैकेंसीज फॉर ईच ऑफ द कम्युनिटीज शाल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड ATE। तो इस टेस्ट के लिए 8 गुना जितनी वैकेंसी है हर एक कैटेगरी के हिसाब से 8 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए और इसका जो पार्ट ए होगा सेकेंड स्टेज का उसी के मार्क्स पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन आपको पार्ट बी सेकेंड स्टेज का क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, और उनको जो शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट्स उनको विजन सर्टिफिकेट जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में दिया गया है वो विजन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेके आते हैं तो उनको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में नहीं बैठने के लिए दिया जाएगा। और कैंडिडेट्स जो है उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा हर एक टेस्ट बैटरी में फॉर द पोस्ट ऑफ ALP और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश एंड हिंदी में रहेंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो जो ALP की मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी, क्वालिफाई जो एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे उसमें 70% जो मार्क्स रहेगा वो पार्ट ए का सेकेंड स्टेज का CBT का रहेगा और 30% जो वेटेज है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड ATE से लिया जाएगा। और कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वेबसाइट में जाएं RDSO की और वहाँ से जो उनके पैटर्न्स हैं क्वेश्चन पैटर्न वो आप देख सकते हैं। तो उनकी वेबसाइट से कुछ ये जो टेस्ट निकाले गए हैं, टेस्ट फॉर मेजरिंग योर इंटेलिजेंस, इन दिस टेस्ट ईच प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ 5 figures, ये 5 figures जो दिए गए हैं यहाँ पे, 4 of which are similar in a certain way, you are required to find out
द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर फोर। तो पांच फिगर दी गई, इसमें जो चार हैं वो एक तरह से सेम है, और आपको जो पांचवी फिगर फाइंड आउट करनी है जो उसमें अलग है उन चारों से। सो इन द गिवन एग्जाम्पल अबाव आपको मालूम पड़ेगा कि फिगर नंबर फोर है ये अलग है, तो फिगर नंबर फोर ये इन पाँचों से अलग है, तो आंसर इसका फोर हो गया है। टेस्ट फॉर मेजरिंग योर डेप्थ परसेप्शन, तो इस तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आएंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें ऐसा एग्जाम्पल आ सकता है आपका डेप्थ परसेप्शन, तो उसको आप देख लीजिए, इस तरह के एग्जाम्पल आ सकते हैं। टेस्ट फॉर मेजरिंग योर कॉन्सेंट्रेशन, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो, और आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है। टेस्ट फॉर मेजरिंग योर परसेप्शुअल स्पीड, दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ हाउ रैपिडली एंड एक्यूरेटली यू कैन सी ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू मैच देम। तो ये टेस्ट हुआ कि आप कितनी जल्दी और कितना अच्छी तरीके से, एक्यूरेटली कितना सही तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं उनको मैच करने के लिए। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। टेस्ट फॉर मेजरिंग योर पर्सनैलिटी, तो आपको पर्सनैलिटी के लिए, नापने के लिए, आपका पर्सनैलिटी जानने के लिए टेस्ट रखे गए हैं। जैसे आई प्रेफर पीपल हु आर, मैं उन लोगों को प्रेफर करता हूँ जो रिजर्व रहते हैं, इन बिटवीन रहते हैं, या मेक फ्रेंड्स क्विकली। तो आप इस तरह के, आप जब क्वेश्चंस को आंसर करेंगे तो आपका पर्सनैलिटी वो जान पाएंगे कि आप किस तरह के पर्सनैलिटी के आदमी हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो बाद में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एंड एम पैनलिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और बाद में एक पैनल बनाया जाएगा कुछ कैंडिडेट्स का। मान लो कुछ कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं, या मेडिकल में फेल हो जाते हैं, या उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होते हैं, उसकी वजह से उनको सेलेक्ट नहीं किया जाता। तो पैनल में कुछ कैंडिडेट्स को रखा जाता है जिनको आगे प्रेफर किया जाता है, इनको आगे सेलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरह से जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं बाद में, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाता है, जो इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी, जितनी वैकेंसी है उतने कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाता है। और इसके अलावा कैंडिडेट्स इक्वल टू 50%, यानी 50% और वो डिपेंड करता है, डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है यहाँ पे कि 50% के करीब जो भी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी, उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाता है, लेकिन उनको पैनल में रखा जाता है ताकि अगर कोई शॉर्टफॉल हो वैकेंसीज़ का किसी भी तरीके से, तो बाद में उनको जॉब के लिए या वैकेंसी में भर्ती कर दिया जाए। अगर दो कैंडिडेट्स के सेम नंबर हैं तो उनका जो मेरिट पोजीशन है वो उनकी एज के हिसाब से रखा जाएगा, यानी जो एज में बड़ा है उसको पर हायर सीनियरिटी दी जाएगी। लेकिन जो अपॉइंटमेंट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, वो उनका डिपेंड किया जाएगा कि जो रिक्विजिट मेडिकल फिटनेस टेस्ट है वो पास कर लिया जाए, उनका जो फाइनल वेरिफिकेशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स का एंड वेरिफिकेशन ऑफ एंटीसिडेंट्स एंड कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट्स। तो जो फाइनल उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो डिपेंड करेगा मेडिकल फिटनेस पे, उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन, उन्होंने जो कम्युनिटी के लिए अप्लाई किया एस सी एस टी ओ बी सी तो उसका सर्टिफिकेट वेरीफाई, और उनका जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन कि क्या इसका जो बच्चा सेलेक्ट किया वो उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके अगेंस्ट कोई केस है कि नहीं, कोई पुलिस केस वगैरह पेंडिंग है कि नहीं, तो इसे वेरीफाई करने के बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर किया जाएगा। कैंडिडेट्स में प्लीज़ नोट दैट आरआरबी ओनली रिकमेंड नेम्स ऑफ द एम्पैनल कैंडिडेट्स एंड द अपॉइंटमेंट इज ऑफर्ड ओनली बाय द रिस्पेक्टिव ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन, कि आरआरबी जो है ये सिर्फ पैनल में कैंडिडेट्स है उनको नाम सिर्फ बताता है, रिकमेंड करता है, और जो अपॉइंटमेंट है वो रिस्पेक्टिव रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन वही करेगी। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं यहाँ पे दिया गया है, 10+2 एस सी एस टी ओ बी सी, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप देख लीजिए, ये आपको लगेंगे अगर आप इन चीज़ों में अप्लाई कर रहे हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन, तो ये सब चीज़ें आपके लिए लगेंगी, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, तो ये सब इम्पॉर्टेंट नोट है, ये पढ़ लीजिए। हालांकि ये सब काम आएगा जब आपका एग्ज़ाम्स आप लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं। बुक्स के बारे में बता दें आपको, तो बुक्स के बारे में नेम ऑफ द बुक है इंडियन रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट, ये डॉक्टर लाल एंड जैन की उपकार पब्लिकेशन की। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस है दिशा एक्सपर्ट की बुक है। रेलवे साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए पी के मिश्रा
गाइड टू आरआरबी नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये एक और बुक है दिशा एक्सपर्ट्स की। 15 प्रैक्टिस सेट फॉर आरआरबी, ये आपके प्रैक्टिस सेट्स के लिए है, आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, ये भी दिशा एक्सपर्ट की बुक है। एक और जो बुक है गाइड टू इंडियन रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एग्जामिनेशन, ये दिशा एक्सपर्ट की बुक है। आरआरबी एग्ज़ाम टेक्निकल कैडर, ये डॉक्टर लाल एन जैन की है। तो ये बुक्स हैं, आप इसको रेफ़र कर लीजिए, ये अच्छी बुक्स मार्केट में है, मानी जाती है, और इसको आप रेफ़र कर लीजिए, इसको ले लीजिए और इससे प्रैक्टिस करिए और स्टडी करिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे जो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में काम आएगी। तो पहला है कि आप जो कैंडिडेट्स हैं उनको, जो आरआरबी का सिलेबस है उसको जानिए, क्या है पैटर्न का एग्ज़ाम का वो जानिए। बाय बेस्ट बुक्स फॉर बेटर प्रिपरेशन, अच्छी बुक्स खरीदिए अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए। बुक्स खरीदने के बाद जो बेसिक्स हैं उनके वो अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। बेसिक्स दिमाग में बैठ जाते हैं तो उसको आप फिर सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए उस जिसमें आप आरआरबी के प्रीवियस पेपर सॉल्व करिए, उस एक एग्ज़ाम के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए, और उस स्ट्रैटेजी को बनाने के बाद उसको प्रैक्टिस जो पेपर्स होते हैं उसमें एग्जीक्यूट करिए। आप जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं उसको सॉल्व करिए, कोई अच्छी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कोई जो मॉक टेस्ट की है उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। आजकल आप देखिए मॉक टेस्ट तो बहुत सस्ते हो गए, 100-200 रुपीज़ में आपको 10-10 मॉक पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन, तो उसको आप ले सकते हैं। जो भी कोई भी आप एक अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स अपना बढ़ाना है तो रेगुलर आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, जो आपको करंट अफेयर्स बिल्ड करने में मदद करेंगे। अपने खुद के नोट्स बनाइए, है ना, तो ये आपको हेल्प करेगा। अच्छे आंसर्स लिखने के लिए आप प्रैक्टिस करिए, और आपका जो टाइम है उसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बढ़ाइए आप, ठीक है। तो आपकी स्पीड अच्छी रहेगी लेकिन एक्यूरेसी ख़राब रहेगी तो वो भी नहीं चलेगा। आपकी एक्यूरेसी अच्छी है लेकिन स्पीड ख़राब है तो ये भी नहीं चलेगा। तो आप ज़रा दोनों को बैलेंस रखिए, अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को। और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है उससे आप भागे नहीं, उसको भी आप ज़रा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उसको आप, जैसे किसी लोगों को, कुछ बच्चों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिफ़िकल्ट टॉपिक रखता है, लेकिन इसको आप एक बार समझ लेंगे तो ये बहुत ही आसान टॉपिक हो जाता है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखिए जिससे आपका एग्ज़ाम में जो सवाल हैं वो थोड़े कम टाइम में सॉल्व हो जाए। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखिए ताकि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो उनको सॉल्व करने में आपको कम टाइम लगे और आपका टाइम सेव हो। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को मत पढ़िए, जल्दी पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें छूट जाएगी और वो जो क्वेश्चन है आप सो गलत सॉल्व कर लेंगे। सो डोंट बी इन अ हरी व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आस्क बिफोर आंसरिंग। तो आंसर करने से पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्या पूछा गया है और तभी आप आंसर करिए। तो ये कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप इसको ध्यान में रखिए। आपको वैसे सब कुछ पता ही है, आप रेगुलर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको सब कुछ पता ही होगा, जस्ट मैंने उनको पॉइंट्स को टच किया आपके सामने। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।